लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल। हरिओम, महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल की भविष्य का दर्पण कार्यक्रम लेकर मैं डॉक्टर एवी मोहन दास आपके सामने हूँ। आज है सोमवार 2023 सितंबर महीने 18 तारीख। शोभन नाम संवत्सर दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि दोपहर 12:40 तक। आज चंद्रमा है तुला राशि में चित्रा नक्षत्र में 12:40 तक। उसके बाद चलेंगे स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे चंद्रमा। वैद्रधि नाम नित्य योग रात को 3:57 तक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज ग्रहों की गोचर इस प्रकार है। सूर्य कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, चंद्र चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में, मंगल हस्त नक्षत्र में कन्या राशि में, बुध पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, गुरु भरणी नक्षत्र में, गुरु शुक्र अक्षलेश नक्षत्र में, शनि शततारका नक्षत्र में, राहु अश्विनी में, केतु चित्रा में। आज के दिन मीन राशि वाले सतर्क रहना है क्योंकि चंद्रमा गोचर है आपके राशि से अष्टम से। चंद्रमा चित्र एवं स्वाति नक्षत्रों से गोचर कर रही है आज के दिन, इसलिए चंद्र स्वाति चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र से जन्म तारा नक्षत्र संबंध से विपत्त तारा में आने वाले सूर्य की और चंद्र की प्रत्यय नक्षत्र केतु और शुक्र के वध नक्षत्र शनि और बुध के नक्षत्रों में जन्मे वाले लोग सतर्क रहना है आज के दिन। चलते आज की भविष्य की ओर। पहले लेते मेष राशि। चंद्र सप्तम भाव में केतु के साथ राशि में गुरु राहु षष्टम भाव की मंगल बहुत फायदा देने वाले होंगे आज के दिन। हिम्मत बढ़ चढ़ कर होगा, अपने ही लोगों में से कुछ के हरकतों की वजह से परेशान होने पड़ सकता है आज के दिन। परिवार से पूरी सहायता मिलेंगी आपको। सप्तम भाव के केतु शत्रु परेशान भी बता रहा है। जीवन साथी की बातों को ज्यादा देना है क्योंकि आज के ग्रहों की स्थिति उतने प्रोत्साहित नहीं बता रहा है। वृषभ राशि। चंद्र षष्टम भाव से कर्म क्षेत्र में उन्नति महसूस करेंगे। ध्यान रहे आज व्यभाव में गुरु राहु है जो दूर की यात्रा दे सकता है। दशम भाव की शनि अपमानित करवा सकता है। तीसरे स्थान में राशि स्वामी शुक्र आज आपको आपके दिन खुशियां दिलाएंगे। मिथुन राशि। पंचम भाव में चंद्र मंगल आपको आज मित्रों से एवं बंधुजनों से विधवत बता रहा है, सतर्क रहना है। लाभ स्थान में है गुरु राहु के साथ आपके दिन धन लाभ जरूर दिलाएंगे। परंतु तीसरा भाव का सूर्य आज आपकी सभी यात्राएं सफल बनाएंगे। कर्क राशि। राशि के चतुर्थ भाव में चंद्र अकारण सा डर मन में बना सकता है। हिम्मत से आगे बढ़िए। दूसरे भाव के आपके वाक चातुरी के उपयोग करने का मौका देंगे बुध। धन नष्ट भी संभव है। किसी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस सकता है, सतर्क रहना है आज के दिन भी। दशम में है गुरु राहु, व्यापार क्षेत्र में धन नष्ट ना हो इसके ध्यान रखें। सिंह राशि। राशि में बुध यात्राएं सफल होंगे परंतु बंधुजनों से विरोध झेलना पड़ सकता है आज के दिन। चंद्र तीसरे भाव में हर काम में विजय प्राप्त होगा आज के दिन। सप्तम स्थान की शनि अपमान महसूस करवा सकता है आज के दिन। कन्या राशि। राशि स्थित मंगल अष्टम भाव में गुरु राहु योग आज आपके दिन उतने अच्छे नहीं होंगे। जहां प्रोत्साहन की उम्मीद था वहां निराशा हाथ लगेगा, सतर्क रहिए। आमदनी आपके मन के लायक भी नहीं होंगे। कार्यों में अप्रत्याशित बाधाएं हो सकता है उत्पन्न हो सकता है। जागरूक रहिए, अलर्ट रहिए, एक्स्ट्रा विजिलेंट रहिए आज के दिन। तुला राशि। चंद्र राशि में
केतु के साथ आज के दिन अच्छे बनाएंगे। बारवा मंगल वैभव में आज खर्चा देने वाले हैं। गुरु राहु योग सप्तम स्थान में धन लाभ मिलेंगे। शुक्र दशम स्थान में व्यापार में धन नष्ट हो सकता है, सावधान रहना है। बारवा भाव स्थित मंगल आज के तबीयत के ख्याल रखने के लिए कह रही है। वृश्चिक राशि दशम में बुध कर्म क्षेत्र में धन लाभ होंगे। सभी कार्यों में जागरूकता जरूरी है। षष्ठम स्थान में गुरु राहु के साथ है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहेगा आज के दिन। राशि स्वामी मंगल लाभ भाव में आज के दिन अच्छे बना देंगे। धनु राशि लाभ भाव के चंद्र केतु योग धन लाभ जरूर दिलाएंगे। नवम भाव स्थित गोचर बुध आपको आज के पिताजी या पितास्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की ख्याल रखने के लिए जरूरत है, ऐसा कह रही है। राशि स्वामी गुरु पंचम में राहु के साथ आपके पुत्रों से आपके व्यवहार में सुधार लेने की जरूरत है। अष्टम राशि स्थित शुक्र आपको धन लाभ दिलाएंगे। मकर राशि चंद्र आपके राशि से दशम भाव में सभी काम उद्दिष्ट रूप से संपन्न होगा। राशि के अष्टम भाव में सूर्य आज आपके लिए उतना अच्छे खबर नहीं होने वाले हैं। किसी के प्रति मतभेद कलह में परिवर्तित ना हो, इसकी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। सरकार से भी परेशानी झेलनी पड़ेंगे। सप्तमस्त शुक्र स्त्री जनों से अपमानित होना बता रहा है, जरा संभल कर रहिए। कुंभ राशि राशि में शनि सप्तम भाव में सूर्य बुध बंधुजनों से हर प्रकार की परेशानी झेलने के लिए रहिए, तैयार रहिए। आलस आपके ऊपर हावी न हो, इसकी विशेष ध्यान रखें। आपकी यात्राओं में उद्दिष्ट फल मिलना संभव नहीं हो पाएगा आज के दिन। कार्यों को टालने की आदत पर विचार कीजिए। नवम भाव में केतु धन नष्ट करवा सकता है। आज खर्चा नियंत्रण के बाहर ही होंगे। मीन राशि चंद्र आज अष्टम भाव से ज्यादा सतर्क रहना है। परिवार के किसी सदस्य से अनबन हो सकता है, जरा संभल कर रहिए। जीवन साथी के साथ मतभेद ना हो, इसकी विशेष ध्यान रखिए। सप्तमस्त मंगल आज यात्राएं विफल बनाएंगे। मीन राशि के दूसरे भाव से सुख गुरु पारिवारिक सुख दिलाएंगे। आज की भविष्य का दर्पण कार्यक्रम को मैं यही विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे यही चैनल में यही समय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन, गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर। कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर। परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर। मिस्टर विनोद जमदाडे 9552333129 एंड 9226210293। आवर ब्रांच शॉप नंबर 114 सदोदय प्लाजा नियर पोदरेश्वर राम मंदिर सीए रोड नागपुर एंड हरि अर्चना कॉम्प्लेक्स ब्लॉक नंबर 49 ऊटखाना रोड मेडिकल स्क्वायर नागपुर।
मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा, लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। त्रिशा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको दो बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। वन सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता त्रिशा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 7709877121। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूमधड़ा का सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर। थाईलैंड के बाद नागपुर में पहली बार सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम एंड टनल, सिर्फ नागपुर में का ट्रीट फिश, जहां आपको मिलेंगे मनोरंजन के लिए भव्य झूले, स्वादिष्ट खाना और खरीदारी के लिए फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी आदि भव्य दुकानें। महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था द्वारा प्रस्तुत नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का भव्य मेला। तो अपने पूरे परिवार के साथ आज ही आइए मेगा ट्रेड फेयर, जो कि है रेशम बाग मैदान, नागपुर में।